तब वो मेरा एनकाउंटर करना चाहते थे, उनकी हैसियत नहीं पड़ी मुझे छूने की, बेकहने की। अब वो मेरे खून से होली खेलना चाहते हैं। मैं उनका पहला शिकार हो सकता हूँ, आखिरी नहीं। हमारी लीडरशिप बहुत है, वो उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी शायद ऐसा अवसर नहीं आया कि आपने मैंने आपसे कहा, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सब आना, आप अपनी रोटी लेके आना मेरे भाइयों, पक्का राशन कच्चा राशन लेके आना कि आप दो दिन को संभाल पाओ। विपक्ष पक्ष के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि चंद्रशेखर कल का सूर्य ना देखे। सच है मैं कल का सूर्य नहीं देख पाऊंगा, लेकिन वो तब होगा जिस दिन मेरा समाज मेरा साथ नहीं देगा। 21 तारीख को जंतर मंतर पे आपका इंतजार करूंगा। बहुत प्रयास होंगे रोका जाएगा, मैंने कहा ट्रेन रोक दी जाएगी, धारा 140 लगाई जाएगी आपके क्षेत्रों में, नोटिस भेजे जाएंगे, सब कुछ भेजा जाएगा, लेकिन याद रखना कि आपका खून आपका भाई आपका इंतजार करेगा। सरकारी एजेंसियों के द्वारा झूठे मुकदमे लगा के, और अब वो हत्या तक करने पर उनको जवाब देने के लिए आप जरूर आए। याद रखें ये स्वाभिमान सम्मान का आंदोलन है, मेरे लोगों की आवाज गोली से भी तेज है, वो 21 जुलाई को सुनाई देगी पूरी सरकार को। ये लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की, एक तरफ वो लोग हैं जो कमजोरों के अधिकार छीन के, जिनको 75 साल बाद भी आजादी के हम इंसान नहीं नजर आते। आपने देखा कि 28 तारीख को क्या हुआ, किस तरह से आपकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया गया, किस तरह से आपकी आवाज को दबाने का प्रयास किया, किस तरह से जो उम्मीदें आपने संघर्ष से पैदा की उनको खत्म करने का प्रयास किया। शायद वो ये नहीं जानते कि एक चंद्रशेखर के जाने से उम्मीदें नहीं खत्म हो सकती है। आज तो हजारों चंद्रशेखर हैं देश के विभिन्न कोनों में, अलग अलग प्रदेशों में, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और आज हम पे भारत का सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी और महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करने के लिए राजनीतिक रूप से आजाद समाज पार्टी नाम का आंदोलन भी है। सम्मानित साथियों, आप लोगों की प्यार, माओ बहनों के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूं। जख्म काफी हिस्सा भर चुका है, एक हिस्सा भरना बाकी है। आप जानते हैं अगर विरोधियों का बस चले तो मेरे छोटे छोटे टुकड़े काट के जो है ना आप लोगों के सामने चौराहे पे कहीं गिरे कि आपका मनोबल टूट जाए। आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि कांटे से ज्यादा चुभता हूं मैं, तलवार के नोक से ज्यादा चुभता हूं उन लोगों को। उसका एकमात्र कारण ये है कि मैंने उनका कोई बहुत बड़ा कोई मैंने अहित नहीं किया, कुछ इस तरह का उनको अपमानित नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने जो अधिकार आपके कब्जा रखे हैं, वो जो अन्याय सदियों से करते आए, मैं उस अन्याय के खिलाफ समाज को जागरूक कर रहा हूं और शोषित वंचित समाज में भाईचारा पैदा कर रहा हूं। मेरी आदत है कि मैं अन्याय के खिलाफ बोलता हूं और सच सच के साथ खड़ा रहता हूं। इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है, लेकिन मैं पहला शख्स नहीं हूं जिसके साथ इस तरह के हालात बने। इस देश में तो जिन लोगों ने भी परिवर्तन का आंदोलन चलाया उनको इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और मेरे बाद भी जो लोग चलाएंगे उनको भी करना पड़ेगा। हम ये जो आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन स्वाभिमान सम्मान का आंदोलन है, ये बुनियादी अधिकार सुविधाओं के लिए समाज को तैयार करने का आंदोलन, जागरूक करने का आंदोलन है। इससे कुछ लोगों की दीवारें तो हिलेंगी, स्पेशली उन लोगों की जिन्होंने किसान का मेरे नौजवान महिलाओं किसानों के अधिकार छीन रखे हैं, मजदूरों के अधिकार छीन रखे हैं, उनकी तो जड़ें हिलनी स्वाभाविक है। लेकिन क्या मैं उनकी जड़ों की परवाह करते हुए इस आंदोलन को कमजोर होने के लिए छोड़ दूं, या मैं गोलियों से डर के बैठ जाऊं? ऐसा मेरा, आप जानते हैं मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मैं आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद जीऊंगा और आजाद ही मरूंगा। दुश्मन की कोई गोली तोप भी मेरा हौसला नहीं कमजोर कर सकती। अच्छी बात यह कि आज हम पे बहुत सारी लीडरशिप है, बहुत सारे लीडर हैं जो एक विधानसभा से लेके आम गांव से लेके ब्लॉक तहसील विधानसभा जिला मंडल जोन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे आज हम पे लीडरशिप है। इसलिए मुझे इस बात का भय नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा तो आंदोलन रुक जाएगा।
लेकिन ये गोली एक संदेश है आप लोगों के नाम कि अगर आप सीबीआई से आप नहीं डरते, ईडी से नहीं डरते, इनकम टैक्स से नहीं डरते, आप झूठे मुकदमों से जेल से नहीं डरते, तो सत्ता के पास एक ही रास्ता है कि वो हत्या करा के गोलियों से जो है हमें हमारे काम से रोक दे। लेकिन सत्ता को ये एहसास नहीं है कि वो अपने आप को कुदरत समझ बैठे हैं कि ना वो जीवन दे सकते हैं ना वो जीवन ले सकते हैं। जीवन भी कुदरत ने दिया है और जीवन भी वो ही लेंगे। तो जब तक जीवन है तब तक अपने नाम के विपरीत काम करूं ये मैंने सीखा नहीं। लेकिन आज मेरी अपील आपसे इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि 21 जुलाई को भीम आर्मी का अधिवेशन स्थापना दिवस होता है और 21 जुलाई से जब से भीम आर्मी को हमने शुरू किया था 2015 से और आज जो है जब इतना समय हो गया है तो भीम आर्मी की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। हमेशा हम खुशी खुशी स्थापना दिवस मनाते हैं, जहां भी स्थापना दिवस मनाने के हमें आदेश होते हैं लीडरशिप से हम उसको मनाते हैं। लेकिन इस बार स्थापना दिवस प्लस जो अन्याय करने का प्रयास किया गया उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का फैसला हम लोगों ने दिल्ली में लिया है और इस कड़ी में मेरी आपसे अपील है कि आप देश में जहां भी रहते हैं, आप जानते हैं मेरा भरसक प्रयास रहता है कि मैं अपने लोगों के आय के साधनों को भी समझता हूँ, आर्थिक स्थिति को भी समझता हूँ, किसी तरह का दबाव उन पर नहीं देता। लेकिन क्योंकि ये आज ऐसी स्थिति है कि आपको जवाब देना पड़ेगा, हम गोली का जवाब जो है, हिंसा का जवाब भी जो है अपनी शक्ति से देंगे। लोकतंत्र है, सरों की कीमत होती है। जो लोग संदेश, जो अन्याय अत्याचार होते हैं वो भी समाज के नाम संदेश होता है। अन्याय अत्याचार के बाद वो जो उसको विभस्त किया जाता है, हीनियस किया जाता है, वो भी एक संदेश होता है कि अगर आवाज उठाओगे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को लगी थी गोली बीच मैदान में आंदोलन के समय में, ये एक संदेश था कि लोग डर जाएं। लेकिन लोग डरे नहीं, लोग चलते रहे और जो लोग ईमानदार से काम करते हैं उनका साथ कुदरत भी देती है। इतनी माओ बहनों का आशीर्वाद है, मैं स्वस्थ हूं और कुछ दिनों में फिर इसी ताकत से आपके बीच खड़ा हो जाऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि मैंने डरना नहीं सीखा तो मैं हर तरह के हमले का सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसा मैंने कहा कि मैं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं देता हूं, लेकिन इस बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जिस तरह से आपने भोपाल में मेरे सम्मान की रक्षा की, जिस तरह से आपने भरतपुर में मेरे सम्मान की रक्षा की, जिस तरह से 21 मई 2017 को आपने दिल्ली में मेरे स्वाभिमान सम्मान की और इस आंदोलन की रक्षा की, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली आवाज की रक्षा की, मुझे पता है मौसम खराब हो सकता है, मुझे पता है कि ट्रेनें रद्द की जा सकती है, मुझे पता है कि और तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, पेरियार माने और काशीराम साहब को प्यार करने वाले लोग, उनका रास्ता कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकती। मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे लाख मुसीबतें आए, 21 जुलाई 2017 को मैं आपका, 2023 को मैं आपका इंतजार करूंगा जंतर मंतर। ये मैंने भी एक कमेरी माँ की कोख से जन्म लिया है। ये लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की है। एक तरफ वो लोग हैं जो कमजोरों के अधिकार छीन के, जिनको 75 साल बाद भी आजादी के हम इंसान नहीं नजर आते, जिनको तकलीफ नहीं होती अन्याय अत्याचार जुल्म जाति करते हुए, माँ बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हुए, हमें जाति के आधार पर नीचा दिखाते हुए, धर्म के आधार पर नीचा दिखाते हुए, इस देश का जो 85% समाज है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वो सब कमेरा समाज है जो अपनी मेहनत के दम पर जिंदा, और वो कमेरा समाज इस लुटेरे समाज के आगे बेबस है। लेकिन मैं समझता हूं महापुरुषों ने इतना जो है संघर्ष किया है कि अब ये बेबसी खत्म होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं, मेरा ये मानना भी है कि आज तक आपने मुझे कमजोर नहीं पड़ने दिया, आज तक आपने मेरे स्वाभिमान सम्मान की रक्षा की। मेरी आवाज बहुत दूर तक जाएगी क्योंकि मैं जानता हूं इस पेज पे तो
12-13 देशों के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन स्पेशली जहाँ तक मुझे आवाज़ पहुँचानी है अपनी माँओं बहनों बच्चियों नौजवान साथियों भाइयों बुजुर्गों तक जिनके जिनका खून हुआ जिन्होंने मुझे सींचा है, वो मेरे साथी जो मुझसे मिलने आना चाहते थे लेकिन मेरे घर से आने के बाद मुझसे मिल नहीं पाए, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने 7 दिन जो रात को 3-3 बजे तक मुझसे मिलने आ रहे थे, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, मैं उस अपने पूरे बहुजन समाज से अपील करूंगा कि वो आए 21 तारीख को। आप जानते हैं किस तरह सरकार झूठे कानून बना के किसानों के साथ अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का अन्याय कर रही है। आपने महिला पहलवानों वाला मामला देखा, जब उसको लड़ रहे थे तो बहुत लोग हमारे मजाक बना रहे थे, ये भी महिला पहलवानों के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे, उनके भी चरित्र हनन कर रहे थे। आज चार्जशीट लिखी तो सबके मुंह बंद हो गए हैं, और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उन पे भी जवाब नहीं बन पा रहा। मैंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, कोई अन्याय हो किसी के साथ भी अन्याय हो, मेरा ये मानना है कि उन माओं के आशीर्वाद से आज मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि वो सब लोग मुझे आशीर्वाद देने और इस आंदोलन में, क्योंकि लोकतंत्र है, अपने आखिरी कार्यकर्ता की सुरक्षा भी हमें करनी, जैसा मैंने आपको कहा। मेरे आज भी याद है जो 21 मई 2017 का आंदोलन था, आप लोगों ने इतनी ताकत दिखाई थी कि सरकार की जड़ें हिल गई, लोकतंत्र है ये, इतनी बड़ी 85% बहुजन समाज की आबादी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो मेरा इनकाउंटर करना चाहते थे, उनकी हैसियत नहीं पड़ी मुझे छूने की, बेकहने की। अब वो मेरे खून से होली खेलना चाहते हैं, मैं उनका पहला शिकार हो सकता हूँ, आखिरी नहीं। हमारी लीडरशिप बहुत है, वो उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको जवाब देने के लिए पूरे देश में जो हमारे पहरेदार रहते हैं इस आंदोलन के, जो मुझसे प्यार करते हैं, कभी शायद ऐसा अवसर नहीं आया कि आपने मैंने आपसे कहा, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब आना, आप अपनी रोटी लेके आना मेरे भाइयों, पक्का राशन कच्चा राशन लेके आना कि आप 2 दिन को संभाल पाओ, अनुशासन में आना, अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए आना, इस आंदोलन में मील का पत्थर ठोकने के लिए आना, और उनको एहसास कराने के लिए आना कि हमारा भाई अकेला नहीं है और उसके खून से होली नहीं खेलने देंगे हम आपको। देखो, मैं उतने भी चाहता तो बहुत बड़े डिसीजन ले सकता था, लेकिन मेरे कंधों पर जिम्मेदारी हमेशा। बहुत सारे लोगों ने भीम आर्मी को कह के इग्नोर किया है कि ये नौजवान लोग हैं, अनकैटराइज लोग हैं, और इनकी वजह से मुकदमे होते हैं, ये बेमतलब की बात करते हैं। मैं सच मानता हूँ, एक आधे साथी को छोड़ के, वो भी गुस्से में उन्होंने कह दिया होगा, लेकिन जिस तरह का परिचय इस बार आपने दिया, आपने मुझे गर्व करने के लिए मजबूर कर दिया, मुझे मेरा दिल जो है जीत लिया आपने, कि आपने पूरे देश में ज्ञापन दिया लेकिन किसी भी तरह की कोई हिंसा और कोई गुस्से की खबर नहीं आई। इससे स्पष्ट होता है कि आज हमारा संगठन कितना कैडराई है। पूरे देश में लाखों लोगों ने ज्ञापन दिए, हमारे बहुजन समाज के सभी लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने, गुजर भाइयों ने, जाट भाइयों ने, सिख भाइयों ने, सब लोगों ने ज्ञापन दिए। स्पेशली जिस समाज में मैं पिछड़े दलित समाज में पैदा हुआ, पाल, प्रजापति, कश्यप, निशा, सैन, जैन, बुद्धिस्ट, ईसाई, सब समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने भी ज्ञापन दिए, सब जगह पे ज्ञापन दिए, और ये कहा कि नहीं, हम अपने भाई के साथ हुए अन्याय का के लिए जो है मांगे करते हैं। देखो, आपने देखा, आपने, मैं पहलवानों वाली प्रकरण को एक बार जरा आपके सामने रखता हूँ। सब लोगों ने मजाक बनाया, सब लोग हंस रहे थे, विपक्ष के में भी कुछ लोग शामिल नहीं हो पा रहे थे, सरकार के लोग मजाक बना रहे थे, लेकिन अंत क्या हुआ, खुला ना, आपने देखा किस तरह से एक ताकतवर व्यक्ति ने देश की उन बेटियों को नोचने का काम किया जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। और अब भी इस घटना में जब इसकी CBI जांच होगी, आप देखना बहुत सारे सफेदपोश खुलेंगे, विपक्ष पक्ष के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि चंद्रशेखर कल का सूर्य ना देखे। सच है, मैं कल का सूर्य नहीं देख पाऊंगा, लेकिन वो तब होगा जिस दिन मेरा समाज मेरा साथ नहीं देगा, जो जहां भी रहता है, जिस भी प्रदेश में रहता है, हमेशा से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, बिजनौर जो मेरी कर्म भूमि है आज, मुरादाबाद, संभल, तमाम जो है वेस्ट यूपी, आगरा, अलीगढ़, बदायूं, हाथरस, मथुरा और पूर्वांचल का वो क्षेत्र जहां स्वाभिमानी और संघर्षशील जो इस आंदोलन के पहरेदार रहते हैं, चाहे वो आजमगढ़ हो, अंबेडकर नगर हो, बलिया हो, जौनपुर हो,
गोरखपुर हो, सिद्धार्थ नगर हो, अयोध्या हो, मैं अपने सब भाइयों से अपील करूंगा जिन्होंने मुझे यहां तक लाके खड़ा किया, एक गरीब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को, एक गरीब माँ के बेटे को, अपने भाई को, वो इस स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में आहुति देने के लिए अपना अपनी जो पहरेदारी वो कर रहे हैं समाज की, वो पहरेदारी दिखाने के लिए वो जरूर आएंगे। मुझे नहीं पता आप कैसे पहुंच पाओगे, ये आपको तय करना है। मेरे पास देने के लिए आपको ऐसा कुछ साधन नहीं है अभी मेरे पास कि मैं आपको गाड़ी उपलब्ध करा दूं, खाना पहुंचा दूं, टिकट दे दूं। सच आप जानते हैं कि ये सब चीजें मेरे पास नहीं, मेरे पास एक ही चीज है जो आप जानते हैं, कभी मैंने आपके स्वाभिमान सम्मान से किसी को खेलने नहीं दिया और मैंने हमेशा आगे बढ़ के आपकी लड़ाई लड़ी है और मैंने कभी आपको कमजोर नहीं पड़ने दिया। आपकी मुझे आशा विश्वास है कि आप भी 21 जुलाई को चाहे आंधी आए तूफान आप भी इस सम्मान की रक्षा करोगे। देखो मैंने एक चीज हमेशा गुरुओं को पढ़ता रहता हूँ, सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं पराधीनता पाप है जान ले उर्मीत, रविदास पराधीन को से कौन करे सुप्रीत। वो कहते हैं पराधीनता यानी कि गुलामी पाप है जान ले उर्मीत, आप सब लोगों को जानना चाहिए गुलामी पाप है। वो चाहते हैं कि हम गुलामी जैसा जीवन इस देश में जीवें। वो कहते हैं रविदास पराधीन से रविदास गुलाम से कौन करेगा प्रीत। वो चाहते हैं कि हम इस देश के बहुजन समाज के लोग गुलामों जैसा जीवन जिए। वो चाहते हैं कि हम लोग जो हैं हक अधिकार के बिना जिए, उनके मोहताज होकर जिए, हाथ फैला के जिए। ये हमने सीखा ही नहीं है कभी, हमारे महापुरुषों ने सिखाया नहीं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप आए और पूरी ताकत से आए, इस विश्वास के साथ आए कि हमें समाज का जो मनोबल उन्होंने गिराने का प्रयास किया वो मनोबल बढ़ाना है और ये जवाब देना है कि अब हम किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे, भारतीय संविधान की रक्षा उसको लागू कराने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। मैं जानता हूं उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, असम हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह पे हमारे लोगों में तकलीफ है, बेचैनी है। मगर उस तकलीफ बेचैनी को मजबूत करने का जिम्मा भी आपके ऊपर है कि वो तकलीफ बेचैनी कम हो। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि 21 जुलाई 2023 हिम आर्मी के स्थापना दिन जो विरोध प्रदर्शन हमने रखा है अपनी मांगों को लेके, जिस तरह से सरकार में बैठे लोग हमला कर रहे हैं सरकारी एजेंसियों के द्वारा, झूठे मुकदमे लगा के, और अब वो हत्या तक करने पर उनको जवाब देने के लिए आप जरूर आए। याद रखें ये स्वाभिमान सम्मान का आंदोलन है और हमारे महापुरुषों ने हमें पूंछ बनना नहीं सिखाया, ये पूंछ की लड़ाई नहीं है। आप जानते हैं पूंछ कहाँ लगते, पूंछ कितनी भी लंबी क्यों ना हो लेकिन उसकी हैसियत क्या होती है, ये स्वाभिमान सम्मान हक अधिकार की लड़ाई है। कोई बीजेपी की पूंछ बनावा, कोई किसी की पूंछ बनावा, हमें किसी की पूंछ नहीं बनना है। हमें महापुरुषों के आंदोलन को विरोधियों के सहारे के बजाय अपने समाज के सहारे आगे बढ़ाना, बहुजन समाज के सहारे। तो आप सबके कंधों पर जिम्मेदारी है, कोई आपका निमंत्रण नहीं है, कोई आपको बुलावा नहीं भेज सकता हूँ, फोन नहीं कर पाऊंगा सब लोगों को, लेकिन हाँ सच है कि 21 तारीख को जंतर मंतर पे आपका इंतजार करूंगा। बहुत प्रयास होंगे, रोका जाएगा, मैंने कहा ट्रेन रोक दी जाएगी, धारा 140 लगाई जाएगी आपके क्षेत्रों में, नोटिस भेजे जाएंगे, सब कुछ भेजा जाएगा, लेकिन याद रखना कि आपका खून आपका भाई आपका इंतजार करेगा। और मेरा ये मानना है कभी आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा विरोधियों के हाथों जो है मरने के लिए, इस बार भी आप जो है इस अन्याय का जवाब देने के लिए आएंगे। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं उनसे प्रयास करूंगा बात कर, जिनको ना पहुंच पाऊं वो समझना कि सीधा वो मुझसे दिल से जुड़ेंगे। 21 तारीख में आए, अनुशासन में आए, ये तय करके आए कि सुबह 11-10 बजे पहुंचना है और शाम के टाइम 5 बजे तक आपको रहना ही रहना है। जिसको जहां जगह मिले वो वहीं बैठ जाए, मैंने कहा मैं आपको भोजन भी अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा। हाँ मैं आपको रोजी रोटी इस तरह से उस दिन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं अगर आप लोग लंबे समय तक टिकने के लिए तैयार है तो देश के
करोड़ों माओं के आंसू पूछने की, इस देश के हक वंचित समाज को, बहुजन समाज को रोटी कपड़ा मकान की गारंटी हम लोग आने वाले कल में देंगे। और क्योंकि मैंने सुना है कि आदमी भूखे पेट रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता, तो मैं मानता हूं कि मेरा स्वाभिमानी समाज जो लंबे समय तक अन्याय अत्याचार को सहता आया, सदियों तक जिनके साथ अन्याय अत्याचार, अब तो वो अपने पैरों पर खड़ा होने का मन बनाएगा, वो जुटाएगा साधन, वो आएगा और मैं इंतजार करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। उन माओं को, बहनों को नमन जिन्होंने आशीर्वाद दिया, जिन्होंने तकलीफ महसूस की, उन भाइयों का स्वागत, क्रांतिकारियों का, पहरेदारों का स्वागत जो आने वाले हैं, उन बुजुर्गों का आशीर्वाद और महापुरुषों के विचारों का जो आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, 21 जुलाई 2023 को जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे आपका इंतजार करें। याद रखना, मैं मर सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता, ये आप याद रख लेना। और आप ये भी याद रखना कि मेरी जान जा सकती है लेकिन मैं आपके स्वाभिमान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। मेरे लोगों की आवाज गोली से भी तेज है, वो 21 जुलाई को सुनाई देगी पूरी सरकार को, पूरे देश को और दुनिया में रहने वाले लोगों को भी मीडिया के जरिए वो सुनाई देगी, क्योंकि दिल्ली में दुनिया भर का मीडिया है, वो बताएगा कि यहाँ के बहुजनों ने आजादी का ऐलान कर दिया है, यहाँ के किसान कमेरों ने, मजदूरों ने हुंकार भरी है और अब वो गुलामी के जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो अंदर अंदर सुलग रहे हैं, क्या तो सरकार ये अन्याय करना बंद करे, वरना इन सरकारों की कुर्सियों को उखाड़ फेंकने में वो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। धन्यवाद। 21 जुलाई 2023 सुबह 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।